हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। ये हमारा है नेटवर्क कम्बेट 2020 का क्वेश्चन लिया हूं मैं। फिगर आप देख रहे होंगे, एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक आपके पास आर लगा है 5 ओम 5 ओम, दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। ये एक एमीटर लगा हुआ है, एमीटर ये 10 ओम लगा हुआ है और एक लोड लगा हुआ है 10 ओम का। हमारा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है आपके पास टू द लोड 10 ओम रेजिस्टेंस, मतलब एक फिक्स लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, और जिस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू लोड, जब जिस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है उस समय आर की वैल्यू जो था, आर वेरिंग है, तो आर 0 से 100 ओम वेरी कर रहा है, आर 0 से 100 ओम वेरी कर रहा है बोला। तो ये आपके पास आर का क्वेश्चन था कि आर इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 100 ओम, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर बेस्ड है कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, लोड दिख रहा है आपको 10 ओम रेजिस्टेंस, लोड लिख भी दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो ये क्वेश्चन है कम्बेट का क्वेश्चन लिया, और ये कहाँ से मैं क्वेश्चन लिया, तो मैं जो आपको बोला था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने लोग भी क्वेश्चन वगैरह भेज रहे होंगे, जिन जो लोग भी लगता है कि जिनको गुड आइडिया है वो लोग क्वेश्चन भेजिए, फिर आपको रिस्पांस दिया जाएगा, और रिस्पांस देना मेरे अंदाज से एक दो दिन में स्टार्ट भी हो रहा है। तो ये अश्विनी कुमार शर्मा इनका क्वेश्चन मैं लिया हूँ, और ये क्वेश्चन मेरे को गुड लगा, अश्विनी कुमार शर्मा, यस। तो अश्विनी कुमार शर्मा का क्वेश्चन है और मेरे को ये क्वेश्चन लगा कि गुड है, तो इसलिए मैं कम्बेट में इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया। तो मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर आप वैरायटी ऑफ गुड गुड क्वेश्चन मेरे को अगर प्रोवाइड करोगे, तो मैं अगर जिस भी क्वेश्चन को लूँगा आपको प्रॉपर बताया जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं मानता हूँ कि एकदम टफ है, लेकिन मेरे को बहुत गुड क्वेश्चन लगा, गुड क्रिएटिविटी इन्वॉल्वमेंट जब भी रहता है तो इज गुड, तो मैं ले लिया इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सिलेक्टेड है, जो मैं बोला था कि एक गुड क्वेश्चन 100 रुपीज़ का होगा और एक वेरी गुड क्वेश्चन जो होगा वो 200 का होगा, तो 200 रुपीज़ की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को मैं लिया। अब इससे एडवांटेज क्या हो रहा है कि जो अच्छा क्वेश्चन बना रहा है उसको पैसे भी मिल जाएंगे। सेकेंड चीज़ ये कि पूरे इंडिया में लोगों के पास गुड गुड क्वेश्चन का आइडिया भी रहेगा, तो मेरे पास अभी कलेक्शन बहुत सारे क्वेश्चन के हो चुके, गुड एंड वेरी गुड क्वेश्चन के बहुत कलेक्शन हो चुके पूरे इंडिया से जो आया। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना था, द रीडिंग ऑफ एमीटर इन एम्पियर विल बी, तो आपको बताना था कि एमीटर का जो रीडिंग होगा इन एम्पियर विल बी, तो कितना आपके पास आंसर होगा, एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस एमीटर का आपको रीडिंग बताना है, क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आर इज वेरिंग बिटवीन 0 to 100 ओम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, लोड दैट मीन द 10 ओम रेजिस्टेंस, द फिक्स लोड रेजिस्टेंस 10 ओम। तो जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा होगा सोर्स टू लोड, उस समय आर वेरी कर रहा है 0 to 100 ओम, तो उस समय में एमीटर की रीडिंग कितनी होगी वो आपको बताना, तो एक गुड क्वेश्चन हो गया। अब देखना ये होगा कि आप इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करते हो, तो ऐसे ही अपन कुछ कुछ गुड क्वेश्चन लेते रहेंगे और अपना डिस्कशन बहुत भी अच्छे से होते रहेगा, हमारे पास गुड कंसेप्ट भी आते जाएंगे। तो ये जो मैं जो स्टार्ट किया हूँ जिसमें कि गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का कलेक्ट होना, फिर मैं बोला भी हूँ कि ये सब आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे, तो आप इन्जॉय करोगे, हर एक तरीके से इन्जॉय करने वाले हो, डोंट वरी फॉर एनीथिंग। हमेशा कम्बेट के क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहो, जितना आपको आता हो उतना बेस्ट ट्राई करो, और उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो सॉल्यूशन सुनते रहिएगा। तो अपन ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो गुड होगा बोला सभी के साथ। तो अगेन मैं अश्विनी कुमार शर्मा को कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी आपका एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, तो जिस जिस का क्वेश्चन मैं कभी सिलेक्ट करूँगा मैं जरूर नाम जरूर अनाउंस करूँगा। तो मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं गुड या वेरी गुड जो भी क्वेश्चन रखूँगा आपको पूरा व्हाट्सअप या मेल के थ्रू पूरा आपको नीरज सर पूरा रिप्लाई करेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सिलेक्ट हुए, कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट हुए, पूरा प्रॉपर आपको बताएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी जो होगा वो पूरा का पूरा रहेगा, आप गेट एकेडमी के साथ अगर जुड़े हुए हो तो ट्रांसपेरेंसी वाला जो पार्ट है वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो अभी तो इंपॉर्टेंट है, अब ऐसे क्वेश्चन गेट का आ जाएगा, अब गेट 2020 का अगर क्वेश्चन आ गया कि एमीटर का रीडिंग बताओ, तो ज्यादा लोग बता नहीं पाएंगे, जो गुड आइडिया रखते हो बता पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सब लोग गुड अटेम्प्ट रखें, एमीटर के बारे में आप जानना चाहिए कि एमीटर क्या चीज होता है और एमीटर की रीडिंग आपको बताना। तो ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा कि कितने लोग इस क्वेश्चन का प्रॉपर रिप्लाई देते हैं, क्या देते हैं। और अगर आपसे इस टाइप के नए क्वेश्चन जब बनते हैं, जब भी इस टाइप के नए क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हमेशा गुड फील कर सकते हो, आपको लगना चाहिए कि यस आई एम गुड टेक्निकली। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। तो पेन कॉपी निकालिए आप और अपना बेस्ट ट्राई कीजिए कि क्या आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे बने रहिए आप और ऐसे इंजॉय करते रहिए और ऐसे ही टेक्निकली अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।